नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित श्रीवास्तव और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हर शुक्रवार को मैं लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए LIC एजेंट्स के लिए लेके आता हूं एक नया टॉपिक जो कि एक नई स्ट्रेटजी देता है, नई टेक्निक बताता है, न्यू आइडिया देता है और लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स को उनकी जिंदगी में हेल्प करता है उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो आज जैसे कि शुक्रवार है तो मैं दोबारा से आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रहा हूं। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को साथ में प्रेस कर दीजिए जिससे आपको हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये वीडियो बहुत सारे हमारे साथियों ने, बहुत सारे हमारे फॉलोअर्स ने, हमारे सब्सक्राइबर्स ने, पूरी इंश्योरेंस कम्युनिटी से, बहुत सारी कंपनी से लोगों ने रिक्वेस्ट की कि हमारे को अभी तक पता ही नहीं है कि कितने तरह के प्लान पूरी की पूरी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में होते हैं। हमें तो शुरू में सर दो प्लान बता दिए गए, जब हमने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कदम रखा तो दो या तीन प्लान बता दिए गए और उसी के बेस पे हम आज तक LIC या इंश्योरेंस बेचते हुए आ रहे हैं। तो हमारे को तो पूरी डिटेल ही नहीं पता है। तो प्लीज एक वीडियो बनाइए जिसमें सारी की सारी चीजें कवर हो जाएं। इसलिए आज का ये वीडियो जो है वो बेस्ड है ओवरऑल 6 तरह के प्लान के ऊपर। ये 6 प्लान कौन से प्लान है? ये 6 प्लान है दोस्तों जिनमें पूरी की पूरी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री कवर हो जाती है, यानी कि पूरी की पूरी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के जितने भी प्लान हैं उन इन 6 कैटेगरीज में ही वो आते हैं। तो पहली कैटेगरी कौन सी है? पहली कैटेगरी है दोस्तों एंडोमेंट प्लान्स। यानी कि एंडोमेंट का क्या मतलब है? एंडोमेंट का मतलब है कि एंड ऑफ द टर्म। आप इसको याद कर सकते हैं किस तरीके से कि एंड ऑफ द टर्म, यानी कि आपने आज एक पॉलिसी ली 15 साल की, 20 साल की, 25 साल की और एक एक्स अमाउंट इतने टाइम तक पे किया और 15, 20 या 25 साल के बाद आपको जो टोटल अमाउंट रिटर्न मिलेगा उस पॉलिसी को कहा जाएगा एंडोमेंट पॉलिसी। तो आप जितनी भी पॉलिसी सेल करते हैं, चाहे वो जीवन आनंद हो, जीवन लाभ हो, जीवन अक्षय हो, सॉरी लक्ष्य हो, या फिर उसके अलावा कोई भी ऐसी पॉलिसी आप जिस भी कंपनी के साथ हो जहां पे एंड में टेन्योर के एंड में पैसा मिलेगा वो कहलाती है एंडोमेंट पॉलिसी। ये पहले तरह की पॉलिसी है। दूसरे तरह की पॉलिसी, दूसरे तरह की कैटेगरी प्लान की कौन सी होती है? वो होती है मनी बैंक, यानी कि जिसमें बीच बीच में पैसा मिलता रहता है। तो आप देखेंगे कि आपकी कंपनी में या LIC में आप बात करें हमेशा मनी बैंक पॉलिसीज होंगी। तो मान लीजिए 20 साल की पॉलिसी है तो हर 5 साल के बाद कुछ रिटर्न मिलेगा, तो बीच में कुछ सालों के बाद रिटर्न आता रहे, बीच में फिर दोबारा कुछ साल के बाद रिटर्न आए, उन पॉलिसीज को कहते हैं मनी बैक पॉलिसी। तो आप चेक कीजिएगा आपकी कंपनी में भी कोई ना कोई मनी बैक पॉलिसी जरूर होगी। इसी के साथ तीसरे तरह के जो प्लान्स आते हैं वो होते हैं टर्म इंश्योरेंस प्लान। आज के टाइम में बहुत फेमस टर्म है, आज के टाइम में हर कोई बात करता है टर्म इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस। तो क्या है ये टर्म इंश्योरेंस? ये टर्म इंश्योरेंस सिर्फ मोर्टेलिटी को कवर करता है, यानी कि सिर्फ डेथ को कवर करता है। तो आपकी कंपनी में या LIC में जो भी आप इस तरीके के प्लान देखेंगे, जैसे जीवन अमर आप देखते हैं, तो ये कौन सा प्लान है? ये टर्म इंश्योरेंस प्लान है। टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है कि आप एक एक्स अमाउंट देते हैं, अगर कल को कोई मिसहैपनिंग हुई तो एक ह्यूज अमाउंट, क्योंकि मॉर्टेलिटी कवर कर रहे हैं ना, तो सिर्फ मॉर्टेलिटी को कवर करने के लिए प्रीमियम बहुत लोअर साइड पे लगता है। तो मॉर्टेलिटी रेट के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं प्रीमियम की फिगर और छोटे से अमाउंट में एक बहुत बड़ा रिस्क कवरेज कवर हो जाता है। अब अगर कल को कोई मिसहैपनिंग हो गई तो पूरा का पूरा रिस्क कवरेज मिल जाएगा, पूरा का पूरा सम इंश्योर्ड मिल जाएगा। और अगर सब चीजें सही चलती हैं और वो टेन्योर पूरा हो जाता है तो एक रुपया भी वापस नहीं मिलेगा, जैसे कि आपके मेडिक्लेम के प्रीमियम में होता है, या जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि आपकी कार इंश्योरेंस की जो पॉलिसी होती है या जनरल इंश्योरेंस के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसके पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो आप उसे कंपेयर कर सकते हैं टर्म इंश्योरेंस के साथ। तो सिर्फ रिस्क कवरेज होता है। चौथी तरह का प्लान या चौथी तरह की जो सेगमेंट होती है एन्युटी प्लान्स, जिनको हम पेंशन प्लान्स के नाम से भी जानते हैं। ये एन्युटी या पेंशन प्लान्स क्या होते हैं? ये एन्युटी और पेंशन प्लान्स होते हैं दो तरह के, एक जिसको कहते हैं इमीडिएट एन्युटी और दूसरा जिसे कहते हैं डेफर्ड एन्युटी। तो इमीडिएट एन्युटी क्या होती है कि आपने आज एक ऐसे अमाउंट दे दिया, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए क्लाइंट ने दे दिए और 10 लाख रुपए के ऊपर अगले ही महीने से रेगुलर बेस पे रिटर्न्स आने शुरू हो जाएंगे, एक एक्स अमाउंट कोई भी उसका जो इंटरेस्ट आप कह सकते हैं वो आना शुरू हो जाएगा, पूरी जिंदगी के लिए पेंशन क्रिएट हो जाएगी। दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी होती है डेफर्ड एन्युटी, यानी आज हमने पैसा दे दिया और आज के 10 साल, 15 साल या 20 साल के बाद फिर एन्युटी आनी स्टार्ट होगी, पेंशन आनी स्टार्ट होगी। ये दो तरह से हो सकता है, या तो हम आज इतना पैसा दे सकते हैं या आज से हम कुछ पैसा दे सकते हैं और 15, 20 साल में वो पैसा एक मोटा अमाउंट बन जाएगा और वो अमाउंट फिर एन्युटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन डेफर्ड एन्युटी में होते हैं, ठीक है। तो ये था चौथा टाइप, फोर्थ टाइप ऑफ इंश्योरेंस जिसकी हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस। अब बात कर लेते हैं फिफ्थ सेगमेंट की, पांचवी सेगमेंट क्या है? पांचवी सेगमेंट है दोस्तों
यूनिट लिंक प्लान की, यानी कि यूनिट लिंक यूलिप्स के नाम से जो जाने जाते हैं। यूलिप्स क्या होते हैं? नॉर्मली टर्म में अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने एक चीज कहनी शुरू कर दी कि जो शेयर मार्केट से रिलेटेड है या फिर जो म्यूचुअल फंड वाला जो बिजनेस है वो यूलिप कहलाता है। रियलिटी क्या है, इसमें एक एनएवी होती है, नेट एसेट वैल्यू। तो एनएवी जो होती है हर पर्टिकुलर प्लान की अलग होती है अलग अलग डेट पे। तो ये सच है कि ये जुड़े होते हैं शेयर मार्केट के साथ। अब शेयर मार्केट के साथ जुड़े होने के साथ भी इनमें ऑप्शंस होते हैं, या तो डायरेक्ट ग्रोथ का ऑप्शन होता है, या फिर बैलेंस का ऑप्शन होता है, या फिर डेट का ऑप्शन होता है। तो क्लाइंट अपनी मर्जी के अनुसार चूज कर सकता है, या फिर शफल भी कर सकता है, शिफ्टिंग भी कर सकता है। तो ये प्लान कहलाते हैं यूनिट लिंक्ड प्लान। तो अगर आपके क्लाइंट म्यूचुअल फंड की तरफ जा रहे हैं, अगर आपके क्लाइंट स्टॉक मार्केट की तरफ जा रहे हैं, तो उन्हें यूलिप जरूर समझाएं, क्योंकि अगर आपने सही तरीके से यूलिप उन्हें समझा दी तो हो सकता है, क्योंकि उसमें रिस्क का भी फैक्टर होता है, रिस्क भी कवर होता है, जो कि नॉर्मल म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में नहीं होता। तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका क्लाइंट एक सिक्योरिटी को देखते हुए यूलिप की तरफ मूव कर जाए, रिस्क कवरेज को देखते हुए यूलिप की तरफ मूव कर जाए। और दोस्तों लास्ट सिक्स्थ जो टाइप है वो टाइप क्या है, वो टाइप है होल लाइफ पॉलिसीज का। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, होल लाइफ पॉलिसीज आर दी ब्यूटीफुल प्लान्स। अगर आप इन प्लान को स्टडी करेंगे और अपने किसी भी एंडोमेंट प्लान के साथ कॉम्बिनेशन में देंगे तो एक बेहतरीन प्लान तैयार हो जाता है। जैसे जीवन आनंद पॉलिसी है ना, कि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, उसी तरीके से अगर आप किसी भी एंडोमेंट पॉलिसी के साथ होल लाइफ पॉलिसी को मिक्स कर देते हैं तो एक बेहतरीन प्लान तैयार हो जाता है। तो आप जिस भी कंपनी में, चाहे आप LIC में, चाहे आप किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में है, आप देखिएगा कि अगर आप ओवरऑल सारे के सारे प्रोडक्ट्स को स्टडी करेंगे तो जितने भी प्रोडक्ट हैं इन छह तरह की कैटेगरी में ही डिवाइड होते हैं, इन छह तरह की कैटेगरी में ही आते हैं। तो आज मैंने आपको ये छह तरीके बताए। दो इंपॉर्टेंट चीजें मैं लास्ट में जरूर बोलता हूं, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं। कि पहली ये कि हर महीने की 30 तारीख को हम ई बुक्स भेजते हैं, तो हर महीने फ्री ई बुक पाने के लिए आप नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को भर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर 906-906-2040 या 906-906-8070 इन दो नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी ईमेल आईडी, तो आपकी ईमेल पे ही वो भेजे जाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, मेरे साथ पर्सनली जुड़ने के लिए और हमारे वीडियोस में जो चार्ट्स यूज होते हैं या जो इमेजेस यूज होती हैं उनको फ्री में पाने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को, जो कि है सुमित श्रीवास्तव ऑफिशियल, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। वहां पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और वहां मेरी बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी चीजें उसमें आते रहती हैं। तो वो आपके और हमारे जुड़ने का एक इनफॉर्मल कैजुअल तरीका भी है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सारे जो मित्र हैं वो हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ेंगे। चलिए अगले शुक्रवार को आप सब लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगी और आप सब लोगों के साथ फिर से मैं एक नई स्ट्रेटजी, नए आइडिया को लेकर आप लोगों के बीच में आऊंगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।